इंटीग्रल ऑफ द टाइप, तो इंटीग्रल ऑफ द टाइप में हम दो टाइप के इंटीग्रेशन हम यहाँ लेके चल रहे हैं, डीएक्स ओवर साइन एक्स और अंदर होगा ए प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ पे ए और बी प्लस माइनस में कैसे भी हो सकते हैं। और एक सेकेंड टाइप है डीएक्स ओवर कॉस एक्स बाहर होगा और साइन एक्स अंदर। Okay, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन हम दो तीन क्वेश्चन इसमें ऐसा कर सकते हैं यहां पर इसमें। सो एक तो है वन ओवर कॉस एक्स वन प्लस टू साइन एक्स, जो कि डायरेक्ट इसी फॉर्म में दिख रहा है। दूसरा हम इसमें वैरायटी ले रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स। और जो तीसरा है वो है साइन एक्स डिवाइड बाय साइन फोर एक्स, करेक्ट। तो मैं इसमें पहले आपके लिए थर्ड क्वेश्चन करता हूं, सॉल्यूशन थ्री, साइन एक्स डिवाइड बाय साइन फोर एक्स डीएक्स। डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन टू एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स की टर्म है उसमें फिर से साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, टू है तो एक और टू मिलेगा तो फोर हो जाएगा। साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस टू एक्स से एक साइन एक्स की टर्म कट गई। नाउ राइट वन बाई फोर आउटसाइड, डीएक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स और कॉस टू एक्स, ऐसा कुछ बचा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कर लीजिए कॉस एक्स से, तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस टू एक्स में भी साइन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जो साइन स्क्वायर की फॉर्म में होता है, कौन सा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा स्टेप ऐसा हो जाएगा, दिस इज वन बाई फोर इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस टू एक्स का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें, साइन एक्स को पुट करेंगे टी, डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वन बाई फोर ऊपर आ गया डी टी और नीचे आ गया वन माइनस टी स्क्वायर वन माइनस टू टी स्क्वायर। अब इसमें दोनों वेरिएबल स्क्वायर फॉर्म में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह वाई एज्यूम करके और फिर पार्शियल फ्रैक्शन हम चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि दो ही फैक्टर हैं तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और जैसा कि हम कई क्वेश्चन में करते रहते हैं उस टाइप की एडजस्टमेंट करें प्लस माइनस फॉर्म में, तो आप देखिए बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों फैक्टर ऊपर लिखिए ऐसे कैसे सेम, और इससे ऊपर वाले स्टेप में देखो क्या लिखा था, वन था तो वन बचना चाहिए, कई बार वन नहीं बचता, कांस्टेंट बच जाए चलेगा, टू थ्री वो हम एडजस्ट कर देंगे। तो मेन है हमें टी की टर्म काटनी है, सो हाउ टू कट टी, तो यहां लगाओ टू, टू क्यों लगाया, सो दैट इट बिकम्स टू टी स्क्वायर, ये भी माइनस टू टी ये भी माइनस टू टी स्क्वायर, तो यहां लगा दो माइनस। तो आप ओपन करके देखिए ब्रैकेट, टी स्क्वायर वाली टर्म कट रही है और ये टू वन जा टू और ये वन, टू माइनस वन वन, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके वन ही बच रहा है, तो इसका मतलब हमारा काम बन गया, हमें कोई प्लस माइनस बाहर एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। नाउ राइट फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, सो इट इज टू डिवाइड बाई वन माइनस टू टी स्क्वायर माइनस, और सेकेंड टर्म के डिवाइड में डिनोमिनेटर लिखेंगे तो वन डिवाइड बाय वन माइनस टी स्क्वायर,
अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाते तो भी यही नंबर आते हैं -1 और 2, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% वैलिड। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, √2 × t² फॉर्मूला बनाने के लिए, इसमें 1 पे भी लगा देते हैं स्क्वायर, 1² − t² dt। नाउ इंटीग्रेशन, 2 तो छोड़ देते हैं, ऊपर बाहर है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² − x² जिसका इंटीग्रल होता है 1/2 a, a है 1, log a प्लस x डिवाइड बाय a माइनस x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t जो कि √2 है, माइनस इसमें 1/2 a log 1 प्लस t डिवाइड बाय 1 माइनस t, दैट्स इट, प्लस कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस ये 1/4 सबके साथ इनटू 2 कट गए, √2 नीचे है तो कितना हो गया, 1/4 √2 log t की वैल्यू डाल देंगे, t हमने sin x को लेट किया था, √2 sin x डिवाइड बाय 1 − √2 sin x और -1/2 और ये बाहर से 4 भी आएगा तो 8 बन जाएगा, log 1 + t, t की वैल्यू है sin x, 1 − sin x प्लस, तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, थर्ड वाला था ये। अगर मैं इसी को फर्स्ट सेकंड वाले की बात करूं जैसे, तो पहले मैं सेकंड की बात करता हूं, सेकंड का हिंट क्या है, मैं अगर दूं तो सेकंड का हिंट में देखो क्या हो जाएगा, dx इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, तो मैं sin x कॉमन ले लूंगा, तो sin x कॉमन ले लूंगा, यहां बचेगा 1 प्लस क्या फॉर्मूला था, 2 sin x cos x, तो sin कॉमन आ गया, 2 cos x बच गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही है, लेकिन इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, जैसे मान लो अब यही वाला है, फर्स्ट वाले की बात करता हूं मैं, तो इसमें cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा cos और नीचे क्या हो जाएगा cos² फिर cos² को क्या करेंगे 1 − sin² फिर 1 − sin² में क्या करेंगे 1 − sin x 1 + sin x फिर sin x को t मान लेंगे, ऊपर वाला cos dt आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा इसमें और थर्ड में, ये वाला क्वेश्चन बड़ा है थर्ड से, तो जैसे यहां पर हमने किया सेम इसी टाइप की सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, सेम ये, बट डिफरेंस होगा कि यहाँ पे ना t होगा, t स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर ये सेम एडजस्टमेंट इस टाइप की ट्रिक नहीं चल पाएगी। तो एक आपका लीनियर फैक्टर होगा t की फॉर्म में और एक होगा 1 − t² तो 1 − t² के फैक्टर बनाएंगे 1 + t, 1 − t, तो आपके पास 3 फैक्टर हो जाएंगे, और जब 3 फैक्टर हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी सी वाला एक्सप्रेशन आता है, 3 इक्वेशन बनती है, ए बी सी निकालेंगे सॉल्व करेंगे। तो प्रोसीजर ये है, मैंने आपको बता दिया, तो इसी मेथड में आप थोड़ा सा प्रोसीड करें, क्योंकि बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन अब तक आपको आ चुका होगा, ठीक है, तो आप उसको ट्राई करें।